सबसे पहले जो है पूरा रोड का काम छोड़ करके सबसे पहले जो है वो एमएलए ऑफिस का काम हो रहा है। लेकिन जिस घर में बेसमेंट में पानी जा रही है और सारा सीवर का सिस्टम पिछले सितंबर से चल रहा है और ये अभी तक पूरा नहीं हुआ है और कई बिल्डिंगों में बेसमेंट में पानी जा रही है लेकिन उसका काम अभी शुरू नहीं हुआ है और सबसे पहले चैम्बर जोड़ने का काम एमएलए ऑफिस का ज़रूर शुरू हो गया। बहुत अफसोस की बात है कि काम करने का जो तरीका ओखला में है वो एकदम भी बिल्कुल ही मिसमैनेजमेंट है और इसको देखने वाला कोई भी नुमाइंदा यहाँ पे कभी आने के लिए तैयार नहीं है। आगे एमएलए ऑफिस है, वहाँ पे नुमाइंदे बैठते हैं डेली, लेकिन इसको देखने के लिए तैयार नहीं है। अब यहाँ पे औरतें बच्चे सुबह स्कूल में इस तरह लोगों को तकलीफ हुई जाने में, देखिए पैदल जाने का भी रास्ता नहीं है और इस तरह से गाड़ियां जा रही हैं और कई घरों का चैम्बर डिसकनेक्ट हो गया है काम के वजह से और ये पूरा चैम्बर का पानी बेसमेंट में भर रहा है और बार बार बोलने के बाद भी, ये देखिए ये बेसमेंट है, बेसमेंट में सारा पानी भर रहा है किस तरीके से, और बार बार बोलने के बाद भी किसी भी नुमाइंदे के कान में जू नहीं रेंगता है और इसकी सफाई आदमी कैसे करवाए और ये सारा काम कैसे हो ये समझ के बाहर बात है। आप देख लीजिए क्या हालत है शाहीनबाग की और किस तरह से ऑटो वाले आ रहे हैं, गाड़ी वाले आ रहे हैं, स्कूटर वाले आ रहे हैं और एकदम ये अपने आप में एक बहुत ही अफसोसनाक मामला है और ये बेरुखी जो है नुमाइंदों की ये तो समझ से परे है।